हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज है संडे और संडे ऑलवेज भी लगता है कि फन डे है, क्योंकि डेली तो हम लोग अपने काम में बिज़ी रहते हैं, हस्बैंड भी बिज़ी रहते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ा सा ऐसे ही चिलिंग करने का। तो उज्जवल बोल रहे थे कि बहुत दिनों से बस बिज़ी बिज़ी ही रहता है संडे को, सिर्फ शॉप जाना, ग्रॉसरी शॉपिंग करना, यही करना वो करना। तो आज चलते हैं कहीं पे। तो मुझे मेसी से भी एक मेरा ड्रेस पिकअप करना था, तो बस हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। और देखिए वेदर कितना अच्छा है, चारों तरफ ग्रीन हो गया है, तो एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, राइट? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको फॉल के टाइम में अच्छा लगता है या तो इस समर के टाइम में अच्छा लगता है। तो बस हम लोग मॉल आ गए हैं और आप देख ही सकते हो कि अब धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लग गया है यहाँ पे। और बस मॉल भी मतलब पहले हम लोग जब आए थे बहुत खाली था, जब बहुत पहले आए थे, तो अब हम लोग आ रहे हैं जब मतलब बहुत दिनों के बाद मैं इस मॉल पे आ रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर से लग रहा है कि लाइफ धीरे धीरे यहाँ पे सेट हो रही है, बट पता नहीं यार कितने दिनों तक ऐसा, क्या सब ठीक हो जाएगा पहले की तरह, ये भी सोच के डर लगता है। और आप अगर इंडिया में रहते हैं तो बताइएगा कि आप लोग सब कैसे हो, हेल्दी होना, ठीक से अपना ध्यान रख रहे हो ना, आपके फैमिली में सब ठीक है ना? तो मैं मेसीज में आ गई हूँ। यहाँ पे मेसीज में बहुत सारे डील्स कभी कभी चलते हैं, तो ड्रेस वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं। तो बस हम लोग यहीं पे आ रहे हैं। सो यहाँ पे मेसीज में तीन फ्लोर रहते हैं यूजुअली, और मतलब वुमेन्स के एक फ्लोर में दिया हुआ रहता है, मेंस के एक फ्लोर में दिया रहता है, किड्स के एक फ्लोर में दिया रहता है। तो काफ़ी अच्छा मैनेज किया हुआ है और मुझे यहाँ के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली जो ड्रेस रहते हैं, जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छी रहती है। तो देखिए समर के बहुत सारे जो ड्रेस है आ गए, और आज तो डील ऑफ द डे भी चल रहा था 9.99, तो बस मैं वही देख रही थी और उज्जवल पिकअप कर रहे थे। तो देख सकते हैं कि समर के भी बहुत सारे कलेक्शन आ गए हैं। अनिरुद्ध कुछ और ही बोल रहा था, फिर भी मैं उसे फ्रेम में लेके आ गई। यूजुअली बच्चों को एकदम अच्छा नहीं लगता है, बट मैंने जब उससे पूछा कैसा लग रहा है तो हैंड्स अप कर दिया। और वहाँ पे एक मसाज वाला जो चेयर है वो लगा हुआ था। मैं तो हमेशा प्रेफर करती हूँ कि बच्चों को ना चढ़ाऊँ, बट वो लोगों को थोड़ा सा जिद करके बैठना ही था। तो उज्जवल बोली कि थोड़ा एक मिनट के लिए ही बैठने के लिए दे दो, और हम लोग जिन्हें बैठना चाहिए हम ही लोग नहीं बैठे। और मुझे तो अच्छा नहीं लगता है ऐसा मसाजिंग चेयर, क्योंकि मैं जब भी बैठती हूँ मुझे लगता है और मेरा पेन बढ़ गया है, तो मैंने छोड़ ही दिया। उज्जवल बोल रहे थे अगर तुम्हें भी बैठना है तो बैठ लो। तो बस दोपहर हो गए थे और बस हम लोग घर की तरफ भी अभी जाना है। एक और प्लान है, वो है हमें मूवी के लिए भी जाना है, तो जाके खाना वाना खा के फिर कुछ देर में फिर मूवी देखना है, क्योंकि ये जो प्लान था मेरे हस्बैंड का सरप्राइज़ वाला प्लान था, और उन्होंने मूवी की टिकट बुक करवा ली थी। लास्ट टाइम तो हम लोग एक इंग्लिश मूवी के लिए गए थे, बट हिंदी मूवी के लिए उन्होंने लेके गए, और वो था राधे मूवी, जो कि पता ही है मुझे सलमान खान की मूवी बहुत अच्छी लगती है। तो वो बुक बुक सब कुछ कर लिए थे और बोले थे कि चलो चलेंगे मूवी देखेंगे। तो बस ये एक दूसरा हॉल है जहाँ पे हम लोग भी इस हॉल में फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। यूजुअली हम लोग जो मूवी देखते हैं, हमारे घर के सामने एक मॉल है, तो वहीं पे हम लोग जाते हैं। थिएटर में रिक्लाइनर था तो बहुत कंफर्टेबली हम लोग देखे थे मूवी, और आप देख सकते हो बिल्कुल खाली है, जो कि बहुत स्ट्रेंज लगता है इस तरीके से मूवी थिएटर में अकेले मूवी देखना। तो बस
हम लोग बस बैठ नहीं जा रहे थे, हम लोग यूजुअली चेयर जो है बुक कर के रख दिए थे, तो बस हम लोग इंजॉय करने वाले हैं। बट जैसे हम लोग देख रहे थे कि लग रहा था कि कोई नहीं आने वाला है, तो हम लोग बहुत खुश हो गए थे, मास्क वास्क खोल दिए थे। बट कुछ देर के बाद एक कपल आए थे, मतलब हस्बैंड वाइफ, वो लोग बहुत दूर में बैठे हुए थे। तो हम लोग फिर मास्क लगा के ही मूवी देखे, हम लोग तो बहुत एक्साइटेड हो गए थे कि कोई नहीं है, कोई नहीं है, बस हम लोग ही देखेंगे। बट हाँ, आ गए थे। तो देखिए, बिल्कुल खाली सा जगह है और काफ़ी अच्छा लगा था मूवी, और मूवी का रिव्यू मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। सो हाय गाइस, जैसे कि मैंने बोला था कि आप लोगों को कि मैं मिसेस से क्या खरीदी हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और एक जो मैंने बोला था कि मैं राधे फिल्म के बारे में बोलूँगी कि रिव्यू कैसा है, तो सच बोलूँ तो 50-50 है। मुझे ठीक लगा, मतलब बहुत दिन के बाद हम लोग इस तरीके से हॉल में गए मूवी देखने के लिए, ठीक था। ये एक्चुअली जो पहले सलमान खान का एक मूवी था ना, सलमान खान का एक मूवी था ना वांटेड, उसी के जैसा थोड़ा सा बनाने की कोशिश किया गया था। बट मुझे जो वांटेड था ना वो मूवी ज़्यादा अच्छा लगा था और ठीक था, मुझे अच्छा लगा। मतलब सलमान खान की फैन हूँ तो ऑब्वियसली अच्छा लगेगा। सो ठीक ही ठाक था, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं था। जैसे कि रिव्यू सारे की सारे बहुत नेगेटिव दे रहे हैं, उतना भी कुछ नेगेटिव वाला नहीं था, ठीक था। मैं बोलूँगी ठीक था, ओके था, बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं था, बहुत मतलब बहुत ख़राब भी नहीं था, मुझे ठीक ही ठाक लगा। ये मेरे बेसिस पे है कि मुझे किस तरीके से लगा। डिड यू लाइक दैट मूवी? यस। इन लोगों को अच्छा लगा क्योंकि थोड़ा सा ढिशुम ढिशुम वाला था ना, तो उन लोगों को अच्छा लगा। और जो हॉल था ना एकदम बिल्कुल खाली था, एकदम भीड़ नहीं था। एक शायद अंग्रेज था, मतलब हस्बैंड वाइफ, एजेड हस्बैंड वाइफ आए थे, तो वो लोग देख देख के खूब एक्साइटेड हो के हंस रहे थे। मतलब मैं भी उन्हें भी, वो लोग इंडिया गए होंगे या तो सलमान खान को जानते होंगे, मतलब इंडिया जाके तो मूवी, इंडियन मूवी देखते होंगे, तो मे भी उन्हें पता होगा सलमान खान कौन है, तो वही मूवी देखने आए थे और खूब एक्साइटेड हो रहे थे। तो अच्छा लगता है कि जब कोई और देश में, मतलब आपके देश के चीज़ों को पसंद करते, तो अच्छा लगता है। तो बहुत इंजॉय कर करके देख रहे थे, तो हम लोग को भी अच्छा लग रहा था देखने में। और एकदम खाली था जब हम लोग गए थे, उस टाइम में तो कोई भी नहीं था। उसके कुछ देर बाद वो लोग आए और देखे, और वो लोग के लिए मतलब यहाँ पे सब टाइटल रहता है, तो वो मे भी इंग्लिश पढ़ पढ़ के देख रहे थे। यूजुअली हमारे बच्चे भी इंग्लिश पढ़ पढ़ के ही समझ रहे थे क्योंकि हिंदी उन्हें आता नहीं है, अभी फिर भी समझ आता है, इसको प्रॉब्लम होती है। तो बस ये रिव्यू था मेरा मूवी को लेके, ठीक ठाक था। तो जल्दी से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मेसी से मैंने क्या खरीदा है। ये वाला जो ड्रेस है मैंने मेसी से लिया है, ये न्यूयॉर्क का ही है, और आप देख सकते हो प्राइस इसका $40 था। बट मेसी से अगर आपको खरीदना है ना, तो जब सेल आता है उस टाइम में खरीदो तो बहुत बहुत अच्छा मिलता है। मुझे बहुत अच्छा डील मिला था, इस सिम्स की मदर्स डे चल रहा था, तो उसमें एक्स्ट्रा और 30% ऑफ था, तो मुझे बहुत अच्छा ये वाला ड्रेस बहुत अच्छे प्राइस में मिल गया। और मेसीज की जो चीज़ें रहते हैं ना बहुत अच्छा रहता है, बस आपको डील देखना पड़ता है। मैं लास्ट टाइम जो ब्लैक फ्राइडे के टाइम में भी मैंने बहुत कुछ खरीदा था मेसी से, तो डील देखते के आप खरीदो ना तो बहुत अच्छा रहता है। और हम लोग तो है डील देख के ही हमेशा खरीदते हैं, फालतू का डबल दाम दे के खरीदना क्या। तो ये जो ड्रेस है, ये वाला ड्रेस मैंने लिया है, बताइएगा, काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत कंफर्टेबल है। शुरू में लगा कि मेरे साइज में आएगा कि नहीं, बट हाँ ये स्ट्रेचेबल है तो ठीक ठाक ही है, और बहुत हल्का है। और वाइट कलर जो है ना समर में काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब बाहर भी जाओ तो बहुत आराम लगता है। तो ये वाला नेट का है, पूरा नेट का है और इस तरीके का है,
तो बताइएगा कैसा लगा। व्हाट इज दैट? ब्रेसलेट ब्रेसलेट ब्रेसलेट। और मैंने जो इंडोर वाला ये वाला है ना, यहाँ पे रख दिया है बेडरूम के खिड़की के पास, क्योंकि इसको ना ज्यादा धूप लग रहा था तो मे बी ये थोड़ा सा ड्राई हो जा रहा था, तो मैंने यहाँ पे रख दिया है। और चलिए वीडियो एंड करते हैं। होप करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर आप थोड़ा सा भी मुझसे कनेक्ट कर पाते हैं, वीडियो अच्छा लगता है, तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और प्लीज़ लाइक और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा अगर मेरे वीडियो को आप देखते हो। इससे मेरे चैनल को ग्रोथ करने में भी थोड़ा सा हेल्प मिलता है। तो चलिए मिलती है एक और वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए। चलिए बाय बाय।